नमस्कार दोस्तों, मिगलानी मैथ्स स्पेशल सीरीज सेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश मिगलानी, ओनर ऑफ यूट्यूब चैनल दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स। नंबर ऑफ वीडियोस हमने अभी तक अपने चैनल पर अपलोड किए हैं जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एवं अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। इस सेशन के थ्रू हम अपनी जो सीरीज हमने स्टार्ट की है मिगलानी मैथ्स के नाम से, इसमें हमारा मीडियम बाइलिंगुअल रहेगा। इंग्लिश और हिंदी हम एक साथ में यूज करेंगे ताकि हर तरह के स्टूडेंट्स उससे फायदा ले सके। तो ये काफी एक्सटेंसिव सीरीज रहेगी। इस सीरीज के अंदर हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस सेशन है। इस सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स को समझेंगे, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर सके और आपको एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है 1/6 + 1/12 + 1/20, ठीक है। और ये सीरीज हमारी जा रही है, दिस सीरीज इज गोइंग अप टू 1/56। तो आपको इसका वैल्यू बताना है, इस सीरीज का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। एक चीज तो आपको देखते ही क्लियर है कि हम इसमें वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। ये तो है नहीं कि हम इसको वैल्यू निकाल लें या इसे हम सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है समझने की, अगर हम देखें ध्यान से तो 1/6 है, आप 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 2 × 3। ऐसी 1/12 है, ये बन जाएगा 3 × 4 3 × 4। फिर 1/20 है, ये क्या बनेगा 4 × 5, ठीक है। और इस तरह से ये कहां तक जा रहा है, 1/7 × 8, ठीक है जी। अब देखो अब हम क्या कह सकते हैं, अब ये एक स्पेशल सीक्वेंस बन गई जिसमें इनका डिफरेंस 1 है। सभी में देखें 3 − 2 = 1, 4 − 3 = 1, 5 − 4 = 1, 8 − 7 = 1, ठीक है। सबका डिफरेंस 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 − 1/3, राइट। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ 3 − 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 − 1/4, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 − 1/5, और ये कहां तक जाएगा, 1/7 − 1/8, ठीक है। अब देखो ऑल दीज वैल्यूज आर कैंसल्ड आउट, राइट। तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, 1/2 − 1/8, ये बच गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 1/2 − 1/8। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम ले सकते हैं 8, ये हो जाएगा 4 − 1, कितना बना 3/8, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम क्या कह सकते हैं, 3/8। अब ये बहुत स्पेसिफिक सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें क्या होना चाहिए, इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे एक प्रॉब्लम और लिखता हूं मैं आपको, सो दैट कि आपको काफी हेल्पफुल रहे। जैसे आपको दिया है 1/3 × 7 + 1/7 × 11 + 11 × 15 + 15 × 19 + 19 × 23, राइट। अब देखो आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिखिए 1/3 − 1/7। अगर एलसीएम लिया जाए 3 और 7 का कितना आ जाएगा, 3 × 7, 7 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा, 7 − 3 कितना हो गया 4, तो ऊपर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाहर 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब जो 4 हमारा यहां पर ऊपर आएगा वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, वो इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1/3 − 1/7। ऐसे ही अगर आप इधर ध्यान दें, इसे आप लिख सकते हैं 1/7 − 1/11, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं 1/11 − 1/15, ये बन जाएगा 1/15 − 1/19, और ये बन जाएगा 1/19 − 1/23, ये ऐसे बन गया, राइट। अब देखो इसमें ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या बचेगा मेरे पास में, यहां बचेगा 1/3 और यहां बचेगा −1/23। तो क्या लिखेंगे, 1/4 आपने यहां लिखा, एलसीएम आ गया 3 × 23, तो ये बन जाएगा 23 − 3, 23 − 3 कितना हो गया 20। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 20/4 × 3 × 23, 5 पे चला जाएगा
तो ये बन जाएगा 5/69। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इसको सोल्व किया जाए तो आंसर क्या बनेगा, 5/69। तो ये भी ये स्पेसिफिक टाइप प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको ये चीज क्लियर है बिल्कुल, तो बहुत इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे कंटिन्यू करते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है 1/10, फिर हमें गिवन है 1/12, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है, और प्लस 1/42, उसके बाद है 1/56, 1/72 प्लस 1/90, ये हमें गिवन है और हमें इसे सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है, वैल्यू बतानी है भैया सॉल्व होके किसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहां भी अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये जो 10 है इसमें प्रॉब्लम है, 2 × 5 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, बट जो 12 है, 12 को आप क्या कह सकते हैं, 3 × 4, ये हो जाएगा 4 × 5, ये हो जाएगा 5 × 6, इसका मतलब आपने 1/10 को ऐसे लिख दिया और ये बन गया 1/12 हो गया 1/3 − 1/4, सेम तरीके से जैसे हमने यहां पर किया था। ठीक है, और 1/20 हो जाएगा 1/4 − 1/5, 1/5 − 1/6, और ये कहां तक जाएगा 1/9 − 1/10, यहां तक आ गया। ठीक है, अब देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/10 प्लस 1/3 − 1/10, ये से कट गया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1/3। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 1/3। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह के सवाल जो है वो एसएससी में काफी बार आ चुके हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस पैटर्न पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किन किस टाइप से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एक तरह का प्रैक्टिस क्लास है तो प्रैक्टिस क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे आपको, जिसका जो कॉन्सेप्ट क्लास रहेगा सिंप्लीफिकेशन का उसमें आप कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, जहां जहां यूज होता है, ऑल्दो सिंप्लीफिकेशन में सर्च इंडिसेस के बेसिक रूल्स है, ठीक है, उन्हीं का यूज है, उससे ज्यादा यूज नहीं होता, फिर भी हमने कॉन्सेप्ट क्लास इसकी बनाई है, जल्दी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 38 + 5√3 का, 38 + 5√3 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब देखो वैसे तो ऐसे सवालों में ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन दे रखे होते हैं हम ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लेते हैं, जिसका स्क्वायर इसके बराबर होगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दे रखा है 6 + √2, ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है 5 + √13, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है √75 + 1/√2, ठीक है, और ऐसी एक और ऑप्शन गिवन है 6 + √13, ये हमें गिवन है, राइट। अब हमें ये बताना है कि हमारा आंसर क्या बन सकता है, इसके हिसाब से क्या हमारी वैल्यू हो सकती है। अब आप देखो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर 36 + 2 कितना हो गया, 38, ठीक है, और आगे देखेंगे तो 12√2, तो वो तो इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तो हमारा आंसर सीधा ही नहीं हो सकता। अगर हम इधर देखें 25 और 13 कितना हो गया, 25 और 13 कितना हो गया, 38 हो गया, और 2 × 5 = 10√13, वो भी इसके बराबर नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं है, राइट, और ये भी आंसर नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक तो देखती समझ, जब ये आंसर नहीं आता इसका मतलब यही आंसर है हमारा, और वैसे भी अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, देखो ए का स्क्वायर 75 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × √75, ठीक है, और बाय कितना हो गया हमारे पास में, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। अब ध्यान से देखा जाए 75 + 1 कितना हुआ, 76, और 5 बार आ जाएगा तो 10√3, 2 से कट जाएगा सब कुछ, तो इसके बराबर ही हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, √75 + 1/√2, मतलब देखते आप ये कह सकते हैं, देखिए इसका स्क्वायर तो आ नहीं रहा, अब ये तो साफ क्लियर है √13 वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हमें इनका स्क्वायर करेंगे तो उसमें √13 की टर्म आएगी, और जिस चीज का हमें रूट निकालना है उसमें √13 की टर्म कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आंसर होंगे ही नहीं,
हम क्या कह सकते हैं फाइनली, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा रूट 75 प्लस 1 और बाय कितना हो जाएगा रूट 2। तो ये क्या कहा जा सकता है, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है जिससे हम बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है 91, 92 से लेकर हमें सम करना है 110 तक का। क्या सम करना है हमें 91, 92, 93 से लेकर हमें 110 तक का सम करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में एक तो तरीका होता है कि अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता है, अगर आपको एपी पता है, आप सबने 10th क्लास में पढ़ा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है, अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पता है तो आप क्या करिए, इसमें सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा लीजिए। ठीक है, सम के दो फार्मूले होते हैं, पहला फार्मूला था n बाय 2, ठीक है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमारा पहला फार्मूला है। अगर कोई भी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है जिसमें फर्स्ट टर्म a है और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है n बाय 2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, यहां पर इस फॉर्मूले को लगाना ज्यादा आसान है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास में फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और हमारे पास में लास्ट टर्म भी है। ठीक है, और अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है 20, 91 से लेकर 110 तक टोटल कितनी टर्म्स होती है 20। तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दीजिए 20/2, फर्स्ट टर्म है 91, लास्ट टर्म है 110। ठीक है, ये कितने पर जाएगा 10 पर, तो 10 इंटू 10 और 1201, तो 2010, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से जो सीरीज आ रही है, इस सीरीज की सभी टर्म्स का जो सम है कितना हो जाएगा 2010, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हमें गिवन है एक वैल्यू x है और x इक्वल टू किसके बराबर है 3 प्लस रूट 3 इट गोज अप टू इंफिनिटी। मतलब x है और x किसके बराबर है 3 रूट 3 प्लस रूट 3 दैट गोज अप टू इंफिनिटी। आपको सोल्व करके अपना वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए वैसे तो सीधा सा तरीका होता है। सीधा सा तरीका क्या होता है, मैं यहां एक पहले आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या होती है, अगर हमारे पास में मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन चल रहा है √a + √a + √a, ठीक है, इट गोज अप टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो वैसे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 + √1 + 4x/2 के इक्वल। मतलब हम ये कह सकते हैं a लिख दीजिए यहां पर, तो 1 + √1 + 4a/2 के इक्वल होता है। अगर हम इसे दो कंजेक्टिव इंटीजर्स में ब्रेक कर सके, अगर देखो इस a को हम दो कंजेक्टिव इंटीजर्स में ब्रेक कर सकें, मान लीजिए यहां पर अगर 3 की जगह 12 होता, 12 + √12 + √12, ठीक है, ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। और 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 3 × 4। तो अगर प्लस का साइन है तो हमारा बड़े वाला इंटीजर आंसर होता है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन है और इस नंबर को हम दो टर्म्स में अगर मल्टीप्लाई करके लिख सके कंजेक्टिव इंटीजर्स में, उस केस में जो बड़े वाला इंटीजर है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बट अगर हम दो कंजेक्टिव इंटीजर्स में मल्टीप्लाई नहीं कर सके, जैसे यहां पर कितना है 3 है, ठीक है, और अब हमें अपना वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 + √1 + 4a/2। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ये जो हमें नंबर गिवन है, ये जो वैल्यू हमें गिवन है, इसमें a के बाद ये जो हमें पूरा गिवन है, मान लीजिए ये हमें x गिवन है, तो आपको x का इंटरवल बताना है। भैया तो x 3 के इक्वल है, या x 3 से छोटा है 2 से बड़ा है, या x 3 से बड़ा है 4 से छोटा है। तो इस तरह से हमें क्या बताना है, x के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको x के बारे में बताना है तो x की वैल्यू ये आएगी। तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, 3 पुट कर दो, 12 और 1 कितना हो गया 13, तो 1 + √13/2 हो गया।
आप देखिए रूट 13 जो है कहां लाई करता है, रूट 13 तीन और चार के बीच में लाई करता है, ठीक है। वैसे भी इसकी वैल्यू रूट 13 3.6 के आसपास होता है, तो रूट 13 है तीन और चार के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो 3.6 के आसपास होगा। 3.6 और 1 कितना हो गया, 4.6 बाय 2, तो आंसर हमारा कितना बन रहा है 2.3, मतलब आंसर मेरा 2 और 3 के बीच में है। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, आप ये कह देंगे कि जो x की वैल्यू है वो कहां लाई कर रही है, बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। तो देखिए यहां चार कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। पहला तो ये, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है जहां पर इसको आप दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हमारे क्रमागत संख्याएं होती हैं जिनमें एक का अंतर होता है, अगर ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के उसमें है, ठीक है, उस केस में तो आप क्या करेंगे, उस केस में ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, ठीक है, और जो बड़े वाला इंटीजर है वो हमारा आंसर होगा, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें ऐसा नहीं हो रहा, तो यहां पर क्या होगा, इस जो x की वैल्यू है ये बराबर होती है 1 प्लस अंडरूट ऑफ 1 प्लस 4a बाय 2 के, ठीक है। मतलब कि आपने a की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है 3, तो 1 प्लस रूट 13 बाय 2 हो गया। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, अप्रोक्सीमेट निकाल लीजिए, तो ये वैल्यू रूट 2 2.3 आ रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ऐसे ही अगर यहीं पर इसकी जगह माइनस का साइन हो जाए, मान लीजिए पहला पार्ट ले, जैसे ये हो जाए रूट माइ 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 इट गोज अप टू इंफिनिटी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 12 माइनस रूट ऑफ 12 माइनस रूट ऑफ 12, ये कहां तक जा रहा है, इट गोज अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो अगर हम ध्यान से, मान लो ये 12 है, अब अगर ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर में ब्रेक हो रहा है, जैसे 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुना 4 कर सकते हो, ठीक है, तो अगर माइनस का साइन है उस केस में जो छोटे वाला इंटीजर है वो हमारा आंसर होगा, मतलब अगर प्लस का साइन है तो बड़े वाला जो नंबर है इंटीजर है वो आपका आंसर होगा, बट कब, जब ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो, राइट। और अगर माइनस का साइन है तो उस केस में छोटे वाला इंटीजर हमारा आंसर होगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन होता अंडर रूट ऑफ 90 माइनस अंडर रूट ऑफ 90 माइनस अंडर रूट ऑफ 90, और ये वैल्यू कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो आप देखो, अब आप क्या कहोगे, रूट 90 है तो 90 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 10 लिख सकते हो, ठीक है। 9 इंटू 10 में माइनस का साइन है तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस के केस के अंदर जो छोटे वाला इंटीजर है वो हमारी वैल्यू होगी, राइट। ऐसी अगर ये इस तरह से हो जाए जहां इसे हम दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में ब्रेक नहीं कर सकते, मान लीजिए आपको गिवन हो अंडरूट ऑफ ए माइनस अंडरूट ऑफ ए माइनस अंडरूट ऑफ ए इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये वैल्यू एक्स के बराबर है, ठीक है। अब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन प्लस अंडरूट ऑफ वन प्लस फोर ए बाय टू, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा है, जो हमने यहां पर किया था इसके अगर प्लस का साइन था तो ये रहता है वन प्लस अंडरूट ऑफ वन प्लस फोर ए बाय टू, ठीक है, और वहीं अगर माइनस का साइन हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस अंडरूट ऑफ वन प्लस फोर ए बाय टू। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ये हो जाए थ्री माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री इट गोज अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए x कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइन प्लस अंडरूट ऑफ वन प्लस ट्वेल्व थर्टीन बाय टू हो गया। अब 13 की वैल्यू वही आएगी फॉर दैट इज 3.6, अब 3.6 में अब एक कम कर देंगे 2.6 हो गया, 2.6 बाय 2 कितना हो गया 1.3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो x की वैल्यू है वह 1 और 2 के बीच में होगी, ठीक है। और अगर आपसे अप्रोक्सीमेट पूछा जाए क्या वैल्यू होगी, तो हम यहां कह सकते हैं भाई 1.3 जो है ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा इस स्टेटमेंट का, राइट। तो इस तरह के जो सवाल है इनको करने की ये सबसे आसान अप्रोच होती है, इसको यूज करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके बाद में आगे और क्वेश्चंस देखते हैं और क्या क्या टाइप्स आती हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
ये स्टेटमेंट आया हुआ है, जैसे 1 माइनस 1 बाय 3 लिख दिया आपको, ठीक है, उसके बाद हमें लिख दिया 1 माइनस 1 बाय 4, फिर है 1 माइनस 1 बाय 5, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होते होते 1 माइनस 1 बाय 100, ये आपको यहाँ गिवन है और आपने इसको सोल्व करके बताना है कि हमारा वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अब जैसे 1 माइनस 1 बाय 3 है, तो 1 माइनस 1 बाय 3 कितना होगा, 2 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 4 कितना हो गया, 3 बाय 4, 1 माइनस 1 बाय 5 कितना हो गया, 4 बाय 5 हो गया, और ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 99 बाय 100 तक, ठीक है, कितना जा रहा है ये 99 बाय 100 तक। अगर आप ध्यान से देखो, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, 5 से 5, 99 से ये वैल्यू कट जाएगी, तो यहां कितना बचा, 2 डिवाइड में कितना हो गया 100, 2 बाय 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय 50, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि मान लो ये स्टेटमेंट आया तो देखने में लगता है कि बहुत बड़ा होगा, नहीं, आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 माइनस 1 बाय 3 हो गया 2 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 4 हो जाएगा 3 बाय 4, और ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो कैंसिल होने के बाद में 2 बचेगा और इधर क्या बचेगा, 100 बचेगा, ठीक है। अब देखो 2 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो कितना बनता है मेरे पास में, 1 बाय 50, ये हमारा आंसर होगा, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट सवाल है, इसमें आपको एक जस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, जैसे अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 137, ठीक है, उसके बाद में अंडर रूट ऑफ 43 प्लस अंडर रूट ऑफ 28 प्लस अंडर रूट ऑफ 64, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है, राइट। अब देखो उसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हम जो सबसे अंदर वाला रूट होता है वहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ 64 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 प्लस 28 कितना हो गया, 36 हो गया, तो 36 का रूट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। अब 43 और 6 कितना हो गया, 49 हो गया, 49 का रूट कितना हो जाएगा, 7, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा इस पूरे की जगह पर। अब 137 और 7 कितना हो गया, 144, 144 का रूट कितना हो गया, 12, ठीक है। अब 12 आ गया यहां पर, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16, अगर आप 16 का रूट निकालोगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4, 4 आपका आंसर होगा। एक बार फिर देखो, पहले आपने रूट 64 किया कितना हुआ, 8, 8 आपने 28 में ऐड कर लिया, 36 हो गया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 और 43 जोड़ा आपने, 49 कितना हो गया, 7, 7 और 137 करा आपने, 144 कितना हो गया, 12, 12 और 4 कितना होता है, 16, ठीक है, 12 और 4 16 हो गया, तो 16 का जब आप रूट लोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 4, तो 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 9, तो सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपको गिवन है 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1, ये सब क्वेश्चंस वो हैं जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, प्लस 1 माइनस 2 बाय एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3 बाय एन प्लस 1, ठीक है, और ये जो सीक्वेंस चल रही है ये जा रही है एंड तक 1 माइनस एन बाय एन प्लस 1, ठीक है। हमें अब इसे सोल्व करके बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है। अब देखो अगर हम वैसे ध्यान से देखें तो आप क्या कर सकते हैं, एन प्लस वन आपने एलसीएम लिया, ऊपर एन प्लस वन गया, वन से ही कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एन बाय एन प्लस वन बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब यहां पर एन प्लस वन आएगा तो एन प्लस वन माइनस टू होगा तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक तरह से एन माइनस वन बाय कितना हो गया, एन प्लस वन, तो इस तरह से ये सिक्वेंस चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहां लास्ट में क्या होगा, एन प्लस वन माइनस एन, एन से एन कट जाएगा, कितना हो जाएगा, वन बाय एन प्लस वन, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में, एलसीएम आ जाएगा एन प्लस वन, ये बन गया एन प्लस एन माइनस वन, ऐसे ही यहां हो जाएगा एन माइनस टू अप टू वन, ठीक है। अब देखो सीधा जाए भाई, ये तो हमारा पहले एन नेचुरल नंबर का सम है, ठीक है, वो कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, और हमने इसको डिवाइड कर दिया एन प्लस वन से, कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर हो जाएगा, एन बाय टू, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n बाय टू, ठीक है। फिर देखो हमने क्या किया, इसमें सॉल्व किया इसे,
भैया एन प्लस वन माइनस वन से इतना आ गया, ऐसे ही बन जाएगा एलसीएम एन प्लस वन तो सम में है ही, तो ये बच गया एक तरह से एन नेचुरल नंबर का सम है। तो आपको पता ही है कि जो एन नेचुरल नंबर का सम होता है मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, ये वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू के बराबर होती है। तो हमने इसकी जगह पर ये पुट कर दिया और सोल्व करके अपना आंसर फाइंड कर दिया। अब देखो इसको मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ यहाँ पर भी ऑप्शन से कैसे करते हैं इसको, इस तरह के सवालों को ध्यान से देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रिक ये। जैसे पहले तो मैं एक बार ऑप्शन लिख दूं, वैसे तो हमें पता चल गया अभी आंसर n बाय टू है, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है पहला n, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में n प्लस वन, ठीक है। फिर हमें दे रखा है एक ऑप्शन n बाय टू और एक दे रखा है n प्लस वन बाय टू, ठीक है। इस सवाल के ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब देखो हम कैसे करते हैं, अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हैं। देखो ये पहली टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये एन तक जा रही है, तो टोटल कितनी टर्म्स आ रही है हमारे पास में, एन टर्म्स आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसमें हमारे पास में एन टर्म्स आ रही है तो हमारा तरीका क्या रहेगा, एन को अगर मैं वन पुट कर लू, एन को अगर मैं वन पुट कर लू तो यहां पहली टर्म लूंगा मैं, ठीक है। पहली टर्म का क्या मतलब है, वन माइनस वन बाय टू, वन माइनस वन बाय टू कितना हो गया, वन बाय टू होता है। एन को अगर वन लिया जाए तो ये वन माइनस वन बाय टू कितना हो गया, वन बाय टू हो गया। अब ऑप्शन में भी एन को वन पुट करना है और आप ये देखो अभी वन बाय टू कहां पर आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपने एन को वन पुट किया, अब वन पुट किया तो ये तो वन है, ये तो गलत है, ये टू हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये आंसर हो गया मेरा। हमने एन को वन पुट किया ना, तो वन पुट किया तो जो ऑप्शन दे रखे वहां भी कितना आना चाहिए, वन बाय टू आना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर हमने n को 1 पुट किया तो यहां से 1 बाय टू आ रहा है, मतलब कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n बाय टू। कई बार ऐसा भी होता है इसमें जब आप n को 1 पुट करते हैं तो एक से ज्यादा ऑप्शन में 1 बाय टू आ जाता है, तो ऐसे केसेस में हम n को 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। 2 पुट करने का मतलब है पहली दो टर्म्स, तो पहली दो टर्म्स को आप जोड़ लीजिए और सोल्व कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन से भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है जो हमें काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से डील कर रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, हम उन सभी क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, हमें क्वेश्चन गिवन है 243, क्वेश्चन नंबर 10, 243 प्लस 647 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, और प्लस 243 माइनस 647 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये चल रहा है हमारे पास में 243 इंटू 243 प्लस 647 इंटू 647, ये बन गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से हमें इसे सॉल्व करना है, राइट। अब देखो वैसे तो मान लो मैं ऐड करके या माइनस करके करूं तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ध्यान से देखा जाए, देखो ये a प्लस बी का स्क्वायर है और ये कितना है, a माइनस बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें पता भी a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab, और ऐसे ही a माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और डेनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो ये ए स्क्वायर और ये कितना है बी स्क्वायर, तो यहां हमने क्या लिख दिया ए स्क्वायर और यहां कितना लिख दिया बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अब उनमें क्या चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम कैंसिल कर दें तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा टू, टू हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये अब सीधा फॉर्मूला सा हो गया कि न्यूमरेटर में चल रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2ab से माइनस 2ab आपने कैंसिल कर दिया तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2, तो 2 हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं 2 इज योर आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 11, ये जैसे आपको गिवन है 1/1 प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, ठीक है,
और ये गिवन है 1/(1 - √2 + √3) ऐसा गिवन है, ठीक है। अब आपने इसको सोल्व करके हम अपना आंसर फाइंड करना है, अभी आपका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो यहां कितना आ गया 1 - √2 + √3 और ये हो गया 1 + √2 + √3। अपोन में ये चल ही रहा है 1 + √3, ठीक है, एक तरह से +√2 ऐसे है और ऐसे यहां हो जाएगा 1 + √3 - √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 + √3 डिवाइडेड बाय, यहां पर आप देखो देखो a + b और a - b, सीधा मल्टीप्लाई मत करिए, ध्यान से देखो भी a + b और वो कितना है a - b है, तो क्या बनता है a² - b² मतलब कि a² 1 + 3 + √3 - b² ये 2 हो जाएगा। अब 4 - 2 कितना हो गया 2, तो एक तरह से न्यूमरेटर चल रहा है मेरा 2 + √3 और डेनोमिनेटर भी कितना है 2 + √3, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या कह सकते हैं, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा जिसको हम क्या कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1, राइट। ऐसे ही कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, देखो जैसे आपको दिया हुआ है 12th है 99992, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100008 से, ठीक है। आपने इसको सोल्व करके देखना है तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वह हमारा आंसर क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी अवर आंसर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे 3 to 5 है तो ये ऐसे होगा 3, 3, 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूं +8, ठीक है, ये जितना उससे ज्यादा है उतना ही कम है ये, तो 1, 0, 0, 0 - 8 हो जाएगा। तो एक तरह से क्या बन गया a + b * a - b, तो a² - b², ठीक है। अब a² - b² है तो ये तो अब सिंपल है, अभी कितने जीरो हो जाएं 3 to 5, तो यहां 10 जीरो हो जाएंगी 2, 3, 5, 3, 8 और 2, 10 -64, इसमें से आप ये माइनस कर दीजिए, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सोल्व करके अपना वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट बिकम्स अवर आंसर, राइट। तो ऐसे सवालों के अंदर ये अप्रोच रहती है जिसको सोल्व करके आप अपना वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्रोच होती है, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 0.87³, ठीक है, +0.13³ और डिवाइड में हमें गिवन है 0.87² और +0.13³² -0.87 × 0.13, राइट। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके बताना है, तो ये सारे हमारे जो बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज हैं उस बात पर बेस्ड हैं। जैसे मान लीजिए आपको 0.87 का क्यूब करना है, ठीक है, ऊपर देखो a³ + b³ बन रहा है, ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा a³ + b³, और आपको पता ही है कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a+b * a² + b² - ab। न्यूमरेटर में क्या चल रहा है a³ + b³ है, तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है a+b * a² + b² - ab, ठीक है। तो नीचे भी a² + b² - ab चल रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक तरह से हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी a+b हो जाएगी, ठीक है। तो a+b का मतलब कितना है 0.87 + 0.13, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा 1, 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट बिकम्स योर आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो अलजबरा के हैं उस पर बेस्ड है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है